ये अब तस्वीरें आ रही हैं जयपुर से, जहां बीजेपी का बहुत बड़ा प्रदर्शन है आज राजस्थान में। प्रदेश भर में बीजेपी ने ये प्रण लिया है कि कलेक्टर के ऑफिस द्वारा ज्ञापन पेश करेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहेंगे कि लंपी वायरस से निपटने के लिए कुछ किया जाए। प्रदेश भर में पशुधन को लंपी वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा हानि हुई है। जोधपुर और उसके आसपास के 6 जिलों में ही 13,000 से ज़्यादा गायों की मृत्यु की खबर है। बीजेपी का ये दावा है कि प्रशासन कुछ भी करने में असफल रहा है, जबकि वहां पर गहलोत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सब स्थिति ठीक है और कंट्रोल में है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदेश भर में बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से बीजेपी इस मुहिम पे लगी है कि हर डिस्ट्रिक्ट से ज्ञापन भेजे मुख्यमंत्री के ऑफिस, जहां पर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और एरिया के अंदर पशुधन की स्थिति पर अपडेट दिया जाए, लंपी वायरस की वजह से जो पशुधन को हानि पहुंची है। भवानी द्योरा इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भवानी, बताया जा रहा है कि जोधपुर और उसके आसपास के 4-5 जिलों में ही और कुछ गाँवों को ही अगर मिला ले तो 13,000 से ज़्यादा गायों की मृत्यु हुई है इस लंपी वायरस स्किन डिजीज की वजह से। पशुधन को बहुत नुकसान हुआ है और बीजेपी की मांग है कि प्रशासन कुछ करे। देखिए आनंद, 13,000 नहीं 55,000 गायों 55,000 गायों की मौत हो चुकी है। लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको आनंद, आप देखिए कि बीजेपी का ये प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ से बीजेपी दफ्तर से आए और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा की ओर। इनका मार्च है, फर्स्ट जो घेरा है वो बैरिकेड का वो तोड़ दिया गया है, उसके बाद में आगे 5 और इसी तरीके से बैरिकेडिंग है। लेकिन लगातार आप देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से उलझते हुए आगे बढ़ते हुए पुलिस कोशिश कर रही है रोकने की। हालांकि आप ये देखिए कि यहाँ से जो ये तस्वीरें हैं ये आपको दिखा रही है, और प्रदर्शन का इकलौता एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो लंपी गायों के अंदर। राजस्थान के अंदर 11 लाख से ज़्यादा इस वक्त गायें बीमार है लंपी से, और 55,000 की मौत हो चुकी है। और आरोप बीजेपी का ये है कि राजस्थान सरकार नाकाम रही है गायों को बचाने में, और ख़ासतौर पर पश्चिम राजस्थान के इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा असर है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता उलझते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आगे जो बैरिकेडिंग है वो लगातार आगे 5 लेवल का और सुरक्षा घेरा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर आप देखिए कि तस्वीरें देखेंगे तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से उलझते नजर आ रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, और सड़क पर इस वक्त संग्राम चल रहा है जहां तक